स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कैनन वर्सेस निकॉन मिररलेस के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ आ कैसे गए, मतलब ऐसा टाइम कैसे आ गया कि कैनन और निकॉन सबके पीछे हो गए। तो पहले ये समझिए कि कैनन और निकॉन इतने बड़े थे, मतलब दोनों लगभग 100 साल से चल रहे हैं, तो इतने बड़े हो गए थे कि उन्होंने कोई टेंशन ही नहीं ले रहे थे। मतलब जो भी उनके प्रोडक्ट लाइन में प्रॉब्लम आ रहे थे उसको वो अपडेट नहीं कर रहे थे। जैसे कि कैनन 5D Mark II, जो कि पहला फुल फ्रेम कैमरा जो फुल HD क्वालिटी में वीडियो देता है, वो सब चीज़ चेंज कर दिया। कैनन ने हाइब्रिड सिस्टम को लाया। कैनन के सस्ते कैमरे में भी कैनन टी सीरीज़ बेसिकली 500D 600D, वो भी बहुत एडवांस फीचर्स मतलब सस्ते में लाने लगे। तो फुल फ्रेम और APS-C में ये दोनों बहुत आगे पुश कर रहे थे, लेकिन एक दो साल के बाद ये लोग बस खाली बैठे रह गए। मतलब कुछ कर ही नहीं, मतलब इनके कैमरा आगे नहीं बढ़ रहा था। मतलब कैनन अब जाके 60 फ्रेम पर सेकेंड दे रहा है, अब जाके 4K दे रहा है, और 4K में हर कैमरा में ये क्रॉप कर दे रहा है, मतलब कि आप फुल सेंसर ले ही नहीं सकते। तो कैनन स्टैग्नेंट हो गया। निकॉन का सब मतलब वीडियो में वो पीछे रहा, तो वो ट्राई ही नहीं किया, वो कभी कोशिश ही नहीं किया कि हम एक अच्छा वीडियो कैमरा रिलीज़ करते हैं। मतलब निकॉन के हर कैमरा में ऑटो फोकस एकदम वीडियो में यूजलेस होता है, फिर भी उन्होंने उसको पॉलिश ही नहीं किया। मतलब कि ये कह के छोड़ दिया कि भाई मेरे कैमरा सब लोग फोटोग्राफर यूज़ करते हैं, उनको वीडियो का क्या ज़रूरत है। तो ना कैनन ने अपने आप को पुश किया, ना तो निकॉन ने, दोनों एक जगह पे आके रुक गए, स्टैग्नेंट हो गए। फिर हुआ मार्केट क्रैश। ये हुआ लगभग 2007 के बाद, 2007-2008 के दरमियान। तो आप देख सकते हैं कि दोनों निकॉन और कैनन, मतलब ये है कैनन, ये है निकॉन, दोनों लगभग 2007 के बाद जो नीचे गिर गए। मतलब उसके बाद इनका स्टॉक मार्केट कभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ जितना पहले था। मतलब इनका वैल्यू बहुत नीचे गिरा, और गिरने के बाद ऊपर नहीं आया। और प्लस आप ये समझिए, इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आप देखिएगा तब तो ये बहुत बुरी तरह से लॉस में चले गए। तो मार्केट क्रैश जब हुआ तो उसके बाद ये लोग तिलमिला गए कि भाई थोड़ा घबरा गए। तो क्या किया इन्होंने कि अपने प्रोडक्ट लाइंस को बढ़ा दिया, मतलब जिसको कहते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, बेसिकली काफ़ी अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करने लगे। जैसे कि कैनन कूद गया प्रॉपर वीडियो कैमरा के मार्केट में, जिसमें वो डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर, मूवी सिनेमा कैमरा बनाने में कोशिश करने लगा। तो कैनन उधर घुस गया, और खूब सारे प्रिंटर, लार्ज स्केल मतलब इंडस्ट्रियल स्केल प्रिंटर में कूद गया। मेडिकल इक्विपमेंट्स भी, कुछ कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बनाने लगा, निकॉन माइक्रोस्कोप और अलग अलग चीज़ में, जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर बिल्डिंग अरे बनाने लगा। मतलब ये लोग अपना पैसा इधर उधर लगाने लगे ताकि कि कभी भी दोबारा मार्केट क्रैश हो तो एक चीज़ के चलते इनका पूरा डूब ना जाए। मतलब एक नैया से ये 6-7 नैया में कूद गए। तो इसके चलते ये गाड़ी खुली, और गाड़ी को आगे बढ़ाने का ज़रूरत पड़ा कंपटीशन का। तो कंपटीशन में सबसे पहला बात था YouTube। ना आप समझिए YouTube से क्यों फ़र्क पड़ जाएगा ये दोनों कंपनी को। पहले ये समझिए कि YouTube जो आया उससे पहले अगर आप फोटोग्राफर बोलते तो फोटोग्राफर का सिर्फ एक ही मतलब था, या तो वो वेडिंग करता है, या वो किसी मैगजीन के लिए करता है, या मतलब न्यूज़ के लिए करता है, मतलब एक जॉब होता था। YouTube एक नया जॉब मार्केट खोल दिया, जिसमें कि मतलब हर दिन नए मॉडल्स यूज़ करने लगना एक प्रॉफिट वाली बात होगी। और जब यूट्यूबर्स पैसा कमाने लगे, उम्मीद करता हूँ किसी दिन मैं भी कमाने लगूँ, जब पैसा कमाने लगे तो एक पूरी इंडस्ट्री बन गई जिसमें व्लॉगिंग करके लोग पैसा कमा सकते हैं। और वो लोग ज़्यादा कैमरा खरीदने लगे, मतलब आपके फोटोग्राफर तो एक कैमरा खरीदेगा उसको 4-5 साल तक ही सहेगा, लेकिन एक व्लॉगर आपका मतलब कहिए हर साल नया कैमरा वो ले सकता है, मतलब उसको पसंद आया तुरंत ले सकता है। तो एक पूरा नया मार्केट आया, ठीक है। उस मार्केट को फिल करने के लिए हमारे पैनासोनिक, फूजी ये और ओलंपस भी कूद गए, और ये लोग समझ गए कि भैया फुल फ्रेम में ये कम्पीट नहीं कर सकते, फुल फ्रेम टेक्नोलॉजी नहीं भिड़ सकते मतलब कैनन और निकॉन से। तो ये लोग माइक्रो 4/3 और 4/3 पे कूदे, जो कि पहले से यूज़ में था, ये मतलब पहले सिक्योरिटी कैमरा में यूज़ होते थे, मतलब अब इसका इंडस्ट्रियल फील्ड में काफ़ी यूज़ है। तो इन्होंने जो माउंट बनाए, मतलब जो लेंस माउंट था, वो ऐसा था कि ओपन सोर्स था और इंडस्ट्रियल के लेंस लगाए जा सकते थे। तो यहाँ इन्होंने सेंसर का बेनिफिट लिया और खूब फीचर डाले, मतलब भर के आँख मूंद करके जम के इन्होंने फीचर डाला। मतलब पैनासोनिक, अभी अगर आप पैनासोनिक GH5 लेते हैं जो कि 2 साल पहले आया था, अभी भी ना कैनन का नया रिलीज, ना ही निकॉन का रिलीज, उसके आधा भी लेवल तक नहीं पहुंचता है। डुअल कार्ड स्लॉट, फ्लिप आउट स्क्रीन, टच स्क्रीन, मतलब टच स्क्रीन तो इसमें भी है, और उसके बाद इसमें मतलब 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड फुल सेंसर रीड आउट,
मतलब 6K को लेकर छोटा करके मतलब एकदम हायर रेजोल्यूशन देगा, प्लस 422 इन लाइक इन बॉडी रिकॉर्डिंग, मतलब सोचना ही नहीं, मतलब पैनासोनिक फूजी का कलर, जबकि लोग कहते हैं कि वो कैनन और नाइकॉन से बेटर है, मतलब फूजी में अगर आप फोटो खींचते तो एक थोड़ी फील आती है, थोड़ी ऑर्गेनिक लगती है, और फूजी से ऊपर सिर्फ एक कैमरा कंपनी है जो लाइका है, जो कि लाइका का दाम के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, मतलब आप किडनी उडनी बेच दो, आप हार्ट दिल उल बेच दो, आँख बेच दो, तो शायद नाइका का डब्बा खरीद पाओ। तो सोचिए ये दो कंपनी काफ़ी ठेलने लगी और खूब फीचर्स थी, फीचर के मामले में इन्होंने कैमरा को एकदम बहुत मेहनत किया, मतलब इसके कैमरा ऐसा नहीं था कि एक कैमरा से दूसरे में जाइएगा तो थोड़ा सा बेटर, नहीं नहीं अरे वाह, ये मतलब पहले वाले में ये प्रॉब्लम था, एक कार्ड स्लॉट था, अब दो दे दिए, वो पहले वाले में UHS-1 कार्ड स्लॉट था, अब वाले में UHS-2 दे दिए, पहले में इनबिल्ट रिकॉर्डिंग नहीं था मतलब 422 पे, अब इनबिल्ट, मतलब काफ़ी पुश करने लगे। और फिर इनका फाइनल, मतलब कहते हैं ना फाइनल नेल इन द कॉफिन, मतलब जो फाइनल घंटी बजी वो था जब सोनी कूद गया। सोनी क्यों कूदा, जब नाइकॉन और कैनन खुद मार्केट से भाग रहे हैं तो सोनी कूद क्यों गया? सोनी का मूवी डिवीजन, एज इन सोनी कॉरपोरेशन के जो पोर्टफोलियो है उसमें है सोनी मूवी डिवीजन, वो ज़्यादा अच्छा नहीं कमा रहा था, मतलब उसका पैसा नहीं आ रहा था वापस, दो तीन पिक्चर फ्लॉप हो जाने के बाद काफ़ी नुकसान होता है, मतलब 6-7 अच्छा सक्सेसफुल पिक्चर आप बनाइए तब जाके वो 2-3 का लॉस कवर होगा, प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, बहुत मुश्किल होता है पिक्चर का। तो 2-3 पिक्चर कंटिन्यूसली फ्लॉप देने के बाद उनका वहाँ नुकसान हो गया, प्लस सोनी का जो मोबाइल डिवीजन था वो धीरे धीरे गायब हो गया, मतलब आखिरी बार आप कब सुने थे कि सोनी मतलब सोनी स्मार्टफोन कहीं है? फिर आप ये बात की, सोनी के पास एक हथियार था, सोनी ही कई बार कैनन और नाइकॉन में सेंसर बना के दिया है, फुल फ्रेम सेंसर नाइकॉन तो कई बार यूज़ करता था, तो सोनी के पास जो टेक्नोलॉजी था वो पैनासोनिक और इससे फूजी से तो बेटर था, क्योंकि वो फुल फ्रेम बनाता था, और जब तक वो फुल फ्रेम का ठप्पा आपके पास नहीं लगता तब तक आपको फोटोग्राफर सीरियसली नहीं लेते। सोनी आया, सीधे फुल फ्रेम दिया, और सोनी दोनों का सीखा, सोनी ऐसा नहीं कि उसका जो पहला कैमरा था एकदम बेमिसाल था, उसमें गलती थे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम था, लेकिन ठीक करते गया, और अभी भी थोड़ा थोड़ा चीज़ अभी भी रोक रहे हैं, जैसे टच स्क्रीन अभी तक नहीं दिए प्रॉपर, फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं दिए अभी तक, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी चीज़ देते, उनका लेंस लाइनअप अभी बहुत बड़ा है, मतलब अगर अभी आपको नया सिस्टम खरीदना है तो नाइकॉन और कैनन के में आपको बेयरली 3 या 4 लेंस मिलेगा, सोनी के पास आपको 15-16 लेंस मिलेगा, और सोनी ने अपना लेंस का माउंट जो है उसका एल्गोरिदम को ओपन कर दिया, मतलब ये सिग्मा के पास उसका ये है मतलब प्रॉपर डेटा है, तो सिग्मा भी नेटिव लेंस बना सकता है, रिवर्स इंजीनियर करके नहीं, नेटिव लेंस सिग्मा बना सकता है, तो सिग्मा के थर्ड पार्टी लेंसेज भी आने लगे। तो अभी के मामले में अगर आप नया लेंस पूरा नया सिस्टम लेना है तो सोनी से बेटर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये था कंपटीशन के बारे में। तो अब आप ये समझिए, थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं नाइकॉन और कैनन का, कि नाइकॉन और कैनन का दोनों का सबसे बड़ा तोहफा और सबसे बड़ा नुकसान, मतलब जो उनका सबसे बड़ा खासियत और श्राप है वो है कि इनके लेंसेस खूब सारे हैं। आपको कई हज़ार फोटोग्राफर मिलेंगे, मतलब लगभग सारे फोटोग्राफर जो फोटोग्राफी सीरियसली करते हैं आपको मिल जाएंगे, जिनके पास कैमरा एक दो होगा, मतलब एक दो बॉडी रखे होंगे खास करके स्पोर्ट्स फोटो, और खूब सारा लेंस रखे होंगे, मतलब 4-5 लेंस होगा, और लेंसेस बहुत महंगे आते हैं, मतलब आपका लेंस का एक अगर अटैची में रखिए और कैमरा को एक अटैची में रखिए, कोई फोटोग्राफर ध्यान भी नहीं देगा कि उसका वो कैमरा वाला अटैची ठीक है कि नहीं, लेंस वाला बचाओ, क्योंकि लेंस बहुत महंगा आता है, 3-3.5 लाख तो मतलब मुंह दिखाई का पैसा होता है, मतलब खोलो आप 6 लेंस में घुसो तो 3-3.5 लाख लग जाता है, और 10-12 लाख तक के लेंस आते हैं, मतलब एक बार जाके कैटलॉग में पूछिए कि एल ग्लास का टेलीफोटो एड लेंस कितना आता है, मतलब तो समझ लीजिए कि ये लेंसेस पे चूंकि इतना खर्च कर चुके थे इसलिए जो फोटोग्राफर पहले से इनको यूज़ कर रहे थे वो कूद नहीं सकते, उनका कई लाख का घोटाला हो जाएगा, कई लाख का, तो इसीलिए वो बैठे हुए हैं कि सोनी मतलब सोनी दिए जा रहा है नया नया फीचर दिए जा रहा है, नए नए उसमें यूज़फुल फीचर आने लगे, मतलब ऐसा नहीं कि गिमिक फीचर है, मतलब यूज़फुल फीचर आना, मतलब पोर्ट्रेट शूटर को आई ऑटो फोकस बहुत अच्छा लगता है, नाइकॉन और कैनन दे ही नहीं रहा था, तो और ये लोग लेंस पे खरीद चुके थे तो अब करते क्या, तो इनका ओल्ड लेंस लाइनअप इनके लिए एक समस्या थी। दूसरा, आप करेंगे क्या ये सब DSLR जो है ऑलरेडी, और ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, एकदम रिस्क नहीं लेना चाहते, मतलब हमको रिस्क नहीं लेना है, हम मतलब अब ये इनका कैमरा लो मार्जिन प्रोडक्ट कहलाता है, मतलब कि कई हज़ार कैमरा बेचने पे एक महीने का खर्चा निकलेगा, और जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्री में बेच रहे हैं या मतलब मेडिकल इक्विपमेंट्स में बेच रहे हैं उसमें एक बेचेंगे एक महीने का खर्चा निकल आएगा, तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट ना होने के चलते ये लोग बहुत कम रिस्क लेना चाह रहे थे, मतलब थोड़ा सा करते बस थोड़ा सा। तो हम लोग देखते हैं कैनन ने क्या किया। कैनन ने बेस्ट अडाप्टर सिस्टम बनाया, मतलब इसमें मैं बहुत खुश हूँ कि कैनन ने जो अडाप्टर लिया उसको बस खाली अडाप्टर नहीं बनाया कि बस एक अडाप्टर है जो आप यहाँ से लगाएं यहाँ से लगाए, खाली छेद को खाली नहीं छोड़ा, तो उसमें कैनन ने किया कि नए लेंसेज जो आ रहे हैं
कैनन के एल सीरीज आर सीरीज के लेंसेज जो आ रहे हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक रिंग है। वो रिंग का काम लेंस से कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक रिंग कंट्रोल रिंग है जो आपको डेटा कैमरा में देती है। कैमरा उसको कंट्रोल करेगा कि उससे क्या होता है, मतलब आप सेट करोगे कि मुझे एक्सपोजर कॉम्पनसेशन चाहिए, मुझे एपर्चर कंट्रोल चाहिए, मुझे ISO कंट्रोल चाहिए, मतलब आप कंट्रोल करोगे। तो एक रिंग है, इलेक्ट्रॉनिक रिंग है। लेकिन आप बोलोगे यार मेरे सारे पुराने लेंस में नहीं है, आप ये अडाप्टर खरीद सकते हो जिसमें ये रिंग आपको मिल जाएगा। मतलब ये खाली जगह ही था तो उन्होंने मतलब यूज़ किया इसका। फिर वो तो छोड़िए, उसके बाद उससे भी ऊपर चलेगा कि वहाँ पे कार्ट्रिज का सिस्टम बनाया है जिसमें आप ND फिल्टर लगा सकते हैं। ND फिल्टर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मतलब लेंस मैन्युफैक्चरिंग में, और ND फिल्टर का सबसे बड़ा फजीयत ये है कि हर लेंस का आउटर डायमीटर अलग होता है। मतलब जैसे मेरा ये एक लेंस है, ये वाइड एंगल लेंस है तो इसका आउटर डायमीटर है करीब 77 mm। मेरे पास एक कैनन टेलीफोटो लेंस है उसका आउटर डायमीटर है 30, मतलब मैं एक खरीदूंगा वो दूसरे में लगा नहीं सकता। आप बोलोगे कि 10-20 का अडैप्टर खरीद लो, बट वैसा नहीं करना है। इसमें आप ये लगाए आपके जितने लेंस हैं, मतलब 300 लेंस जितना कैनन बना चुका है वो सब के सब लेंस में ये काम करने लगेगा। तो ये बहुत स्मार्ट आइडिया था, लेकिन कैनन कैनन है तो इसका दाम $400 है। मतलब मैं 1 kg का लेंस खरीदता हूँ कैनन से, 70-300 mm का मैंने लेंस लिया है, फुल फ्रेम लेंस, मतलब कॉन्स्टेंट अपर्चर नहीं है, लेकिन मतलब एक हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त लेंस जो कि 1.5 kg का, जो कि कैनन का है, जो कि कैनन का लेटेस्ट है। मतलब उसमें भी यही ड्राइव बाय वायर सिस्टम है, ऑटो फोकस है, लेंस में LCD स्क्रीन है, उसका दाम इससे कम कैसे हो सकता है? कैसे, मतलब कैसे, मतलब यहाँ आप दे क्या रहे हो, सोना दे रहे हो क्या जो इतना दाम इसका ज़्यादा है, अंधेर जैसा, पागल जैसा। और कैनन के बारे में काफ़ी लोग ये कहने लगे कि ज़बरदस्ती का कैनन अब कैमरा बनाता है। मतलब पहले का आइडिया ये था कि आप एक सस्ता कैमरा बनाएंगे, एक प्रोफेशनल कैमरा बनाएंगे, एक APS-C, एक प्रोफेशनल APS-C, एक ठीक ठाक फुल फ्रेम प्रोफेशनल, एक स्पोर्ट्स फुल फ्रेम, मतलब चार कैमरा बनाएंगे। और आपका आइडिया ऐसे था कि नए नए कैमरा जैसे आप बनाएंगे, आप पुराना कैमरा को दाम कम करते जाएंगे। ज़बरदस्ती का आप एक सस्ता कैमरा नहीं उतारेंगे, जो कि कैनन अभी करने लगा। और जैसे मैंने कैनन का भी ये खरीदा हुआ हूँ, कैनन 800D, अगर अभी बहुत सस्ते सस्ते DSLR उतार रहे हैं, मतलब 15-16 हज़ार तक में उतारने लगे हैं DSLR, जो कि अगर आप ले लोगे तो अपना सिर पीटोगे। मतलब उस कैमरा के लेंस इतना उसमें दाम काटा गया है कि एक तो सेंसर पुराना यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेसर पुराना यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटी के मामले में तो सोचना ही नहीं है। वो बस सिर्फ DSLR का ठप्पा लग जाए आपके पास कि DSLR है तो एकदम सस्ता सस्ता कैमरा उतार रहे हैं। पहले का आइडिया ये था कि भैया सस्ता कैमरा मत बनाओ ज़बरदस्ती का, आप बस पुराना कैमरा के दाम घटते 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 वो सस्ता हो ही जाएगा। और ये इसमें भी आप देख सकते हैं अडाप्टर में, ये दोनों अडाप्टर बहुत बढ़िया था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती का एक फालतू का सस्ता अडाप्टर बनाया। ये अडाप्टर अगर ये नहीं बनाते तो कोई भी ये बोलता कि अगर कैनन का आप अडाप्टर लेते हैं जो कि आपका पुराना लेंस को जोड़ सके, आपका उसमें नया फीचर आएगा, या तो आपको उसमें ND फिल्टर मिल जाएगा या तो आपको उसमें कंट्रोल रिंग मिल जाएगा, एक फीचर ऐड हो जाएगा आपके सारे लेंसेज में। लेकिन ज़बरदस्ती का ये बनाया, जिसके चलते अब ये दोनों का दाम बढ़ गया, क्योंकि आप मतलब आपकी फैक्ट्री में जितनी चीज़ बनेंगे उतना दाम सबका बढ़ते चला जाता है। एक चीज़ को कई लाख पीस बनाना सस्ता पड़ता है, मतलब लेकिन तीन चीज़ को मतलब पर पीस बनाने में बहुत महंगा पड़ता है। तो ज़बरदस्ती का वो, और ऐसा भी नहीं कि ये हर डब्बे में दे दे रहे, ठीक है आप खरीदिए आपका डब्बा में है सस्ता वाला अडाप्टर, वो भी नहीं है। तो लेकिन एटलीस्ट कोशिश किया कि इन्होंने वो जगह का कुछ इस्तेमाल करें। फिर आते हैं कैनन के बारे में, सब लोग जानते हैं भैया कैनन का ऑन स्क्रीन ऑटो फोकस के बारे में तो सोचना ही नहीं, मतलब लाइव व्यू में जो ऑटो फोकस कर रहे हैं, मतलब सेंसर पे जो ऑटो फोकस है। ऑटो फोकस जनरली DSLR में दो तरह का होता है, एक सेंसर पे होता है, एक तो फेस डिटेक्ट ऑटो सेंसर अलग से बनाया जाता है जो कि जब मिरर आप मतलब मिरर से देख रहे हैं तब वो फोकस करता है। तो कैनन उस मामले में तो सोचना ही नहीं, तो कैनन क्या किया कि भैया वो ऑटो फोकस को दिया, आप खुश रहिए ऑटो फोकस में आपको कुछ सोचना नहीं है। और इन्होंने फ्लिप आउट स्क्रीन दे दिया, जैसे मैं इस कैनन 800D में कर रहा हूँ कि स्क्रीन बाहर आ सकता है, आप अपने आप को देख सकते हैं, अति उत्तम। लेकिन इन्होंने कैमरा को हैंडी कैम्प कर दिया, मतलब ज़बरदस्ती का इसमें फीचर्स हटा दिए गए। जैसे कि प्रोफेशनल लाइन का फीचर होता है एक ठो कि हर कैमरे में 2 कार्ड स्लॉट होगा, सेफ्टी के लिए जनरली ये किया जाता है, या मतलब ओवरफ्लो के लिए किया जाता है, लेकिन जनरली 2 कार्ड स्लॉट होता है। पुराने कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, आज के टाइम में मतलब 2015 के बाद से जितने कैमरे आ रहे हैं सब में मतलब कैनन के खुद Mark D5 में हमेशा 2 कार्ड स्लॉट होता है। और मतलब आप पुराना कैमरा मत दिखाइए हमको, मतलब आज का ये फीचर है, आज के कैमरा में ये ज़रूरी है। और आप ये इतना महंगा कैमरा है, $2,300 का कैमरा है जिसमें अडाप्टर भी नहीं दे रहे हैं ये लोग, वो उसमें ना होना बहुत खतरनाक बात है। मतलब आप वेडिंग शूट कर रहे हैं, आपका कार्ड अगर गया तो गए आप। तो
प्रोफेशनल लाइन का फीचर हटा देना, पहला वो। दूसरा 4K, ये जानते थे चूंकि ये सिनेमा लाइन बना रहे, जिसको सी करके लाइन अप है, उसको बचाने के लिए इन्होंने इसमें 4K का क्रॉप किया। वो जो सेंसर आप रेड स्क्वायर देख रहे हैं, बस उतना ही आपको दिखेगा 4K में। 4K में वो फुल फ्रेम माइक्रो फोर थर्ड से भी छोटा कर दे रहे हैं। मतलब आपको अगर 4K में ही रिकॉर्डिंग करना था, शांति से आप पैनासोनिक खरीदिए, खुश रहिएगा। तो मतलब जबरदस्ती का इसको इन्होंने जो इससे फीचर हटा दिया, पहला कि जबरदस्ती का क्रॉप दिया, दूसरा ये मतलब डुअल कार्ड स्लॉट ना देना, तीसरा कि भैया USB-C जो चार्जिंग है वो सिर्फ इनके वॉल अडाप्टर से काम करेगा, नॉर्मल आप USB पावर बैंक से लगा के नहीं चार्ज कर सकते। तो ये सब नौटंकी क्योंकि अब मेरे समझ के तो बाहर है। तो आते हैं नाइकॉन के बारे में, नाइकॉन ने क्या किया। तो नाइकॉन ने सबसे पहला बड़ा काम किया कि उन्होंने इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन फिगर आउट कर लिया। मतलब उनका सेंसर हिला के ये लोग स्टेबलाइज करते हैं। ये जनरली बेटर होता है लेंस स्टेबलाइजेशन से, क्योंकि लेंस सिर्फ दो एक्सिस को ठीक कर सकता है। आप कितना भी बढ़िया लेंस बना दे, कितना बड़ा भी सुपर कंप्यूटर लगा दीजिए, वो सिर्फ एक्स और वाई को संभाल सकता है, मतलब ऐसे ऐसे को संभाल सकता है। लेकिन मान लीजिए जब आप कैमरा से ऐसे लेके फोटो खींच रहे हैं और कैमरा थोड़ा सा ट्विस्ट हो, मतलब इतना ट्विस्ट नहीं होता लेकिन थोड़ा सा तो ट्विस्ट होता ही है, वो ट्विस्ट को नहीं ठीक कर सकता, क्योंकि मतलब लेंस को आप घुमाइएगा थोड़े उस चीज़ पे फर्क पड़ेगा। मतलब अगर आप सीधा ऐसे देख रहे हैं कोई चीज़ को, लेंस घुमाइएगा तो ये तो सीधा का सीधा ही रह जाएगा। तो सेंसर को घुमा के ये ठीक किया जाता है। तो सेंसर स्टेबलाइजेशन जरूरी है। सेंसर में तीन और एक्सिस आते हैं, जिसको एक होता है यॉ, पिच, रोल। तो ये तीन चीज जो है ये सिर्फ सेंसर में किया जा सकता है, ये आप कर ही नहीं सकते लेंस पे। इसीलिए मतलब सोनी बहुत मेहनत किया शुरू से ही अपना इन बॉडी में स्टेबलाइजेशन देने पे। मतलब शुरू के बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पॉलिश कर लिया। तो नाइकॉन वो सिस्टम फिगर आउट किया, कैनन नहीं कर पाया है। तो नाइकॉन मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी को हैंडल कर लिया। दूसरा, ये फुल फ्रेम वीडियो दे रहा है, जिसको 4K वीडियो में इंटरेस्ट है या जो हाइब्रिड शूटर है, और मान लीजिए वो व्लॉगिंग नहीं करता, वो नाइकॉन से ज़्यादा खुश रहेगा, क्योंकि फुल फ्रेम मतलब आप जिस लेंस से खींच रहे हैं फोटो, उसी लेंस पे एक थोड़ा सा टुक कीजिए, आराम से आपका वीडियो आने लगा, आराम से वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, टुक कीजिए, दोबारा फोटो खींचिए, आपका लेंस मतलब इतना एरिया दिखा रहा है, इतना एरिया नहीं हो जाएगा, क्रॉप नहीं होगा। तो नाइकॉन ने फुल फ्रेम कैमरा को फुल फ्रेम कैमरा की तरफ दिया। लेकिन इन्होंने भी हैंडीकैम कर दिया अपना कैमरा को, पहला सिंगल कार्ड स्लॉट। बहुत लोग बोल रहे नहीं XQD कार्ड है वो फेल नहीं होता, नाइकॉन 2014 या 15 के आसपास से जो XQD कार्ड वाला बना रहा है हाई एंड DSLR, उसमें भी वो डुअल स्लॉट दे रहा है। क्यों दे रहा है, उसमें ज़रूरी है, फ़र्क पड़ता है, सेफ्टी फीचर है, रखना चाहिए, जानबूझ के हटाया गया। दूसरा, इनका जो ये फ्लिप आउट स्क्रीन है, ये फ्लिप आउट बाहर नहीं होता, मतलब आप अपने आप को नहीं देख सकते, सिर्फ ऊपर जाएगा, वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो ऐसा भी नहीं किया ऐसे, अगर किसी का फोटो खींच रहे, मान लीजिए किसी कॉन्सर्ट में है तो आप कैमरा ऐसे रखना चाहते हैं, पूरा नीचे देखना चाहते हैं, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्क्रीन पूरा नीचे नहीं जाता, बस इतना कि हाँ आप नीचे गए तो थोड़ा सा ही कर लें। ये कैनन बोल रहा हूँ, नाइकॉन D800 सीरीज में है, लेकिन D800 सीरीज में चूंकि इस कोने में बटन है खूब सारे, तो इसलिए वो फ्लिप आउट हिंज नहीं दे सकते। नाइकॉन इसमें क्यों उसका कॉपी पेस्ट किया, तुम्हारे पास है मतलब फ्लिप आउट स्क्रीन है, मतलब सस्ते सस्ते कैमरा में है, नाइकॉन D3000 में, D5000 में है, तो वो सब में दे रहे हो तो इसमें तो दे देते। तो हैंडीकैम इन्होंने जबरदस्ती क्या किया। तो फिलहाल ये हो रहा है कि दोनों कैमरा कंपनी उतरी तो, लेकिन पूरा मेहनत नहीं की। मतलब सोनी से लड़ने वाला इनका कैमरा नहीं, इनका कैमरा है कि बस लोग छोड़ने ना लग जाए। मतलब होने लगा था कि पिछले साल यानी कि 2017 में जो फुल फ्रेम मार्केट में बिका, फुल फ्रेम सेंसर के कैमरे जो बिक रहे थे, उसमें नाइकॉन और कैनन का शेयर घट गया और सोनी का बढ़ गया, तभी ये लोग कूद गए। तभी आपको सुनने में आएगा कि फर्मवेयर कंप्लीट नहीं है, फर्मवेयर अपडेट करेंगे। आप आखिरी बार कब सुने थे कि कैनन या नाइकॉन को फर्मवेयर अपडेट करना है, या कैनन और नाइकॉन का प्रोडक्शन रन नहीं है। ये इसलिए हुआ कि नाइकॉन और कैनन दोनों आराम से बैठे हुए थे, लेकिन जब उनके सेल्स रिपोर्ट में आने लगा कि भैया फुल फ्रेम अब सोनी का बिक रहा है, तब जाके ये लोग तिलमिला गए, नहीं 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 भाई, मतलब अपने को भी फुल फ्रेम, क्योंकि जो लोग ये फुल फ्रेम का रखे हुए थे, एक तो किसी तरह एडाप्टर लगा के कोशिश कर ले रहे थे, और एडाप्टर लगा के अगर जो लोग मैनुअल फोकस करते थे तो कर ही ले रहे थे, और आगे के एडाप्टर्स में तो ऑटो फोकस भी ट्रांसफर होने लगा था। तो बहुत लोग कूदने लगे शिप, तो वो कूदना को रोकने के लिए ये बनाया गया है। और एक बार भी नहीं लगता है ना नाइकॉन का ना कैनन का कि हाँ उन्होंने बोला कि नहीं हम सब चीज़ देते, मतलब हमसे घबराओ, मतलब पैनासोनिक के जैसा नहीं गए कि मतलब एकदम सब चीज़ दे दिया और लोग हिल गए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नाइकॉन वर्सेस कैनन मिररलेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए,
नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और मैं कहूँगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर खाली हैं तो आप घंटी भी बजा सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।